आज के करंट अफेयर्स में आपका लर्निंग लोकस चैनल पर बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से 13 फरवरी के करंट अफेयर्स आपके समक्ष प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। उसी क्रम में पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने उत्तर भारत का प्रथम ESIC मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर है फरीदाबाद में। प्रधानमंत्री ने उत्तर भारत का प्रथम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है जो 510 बेड्स का है। ध्यान रखिए, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल भी है, इसी का उद्घाटन किया है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में 510 बेड का है सबसे पहला ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल केरल में बना था, जो 21 दिसंबर 2013 को उद्घाटन जिसका हुआ था। यह केरल के थिरुपाली कोल्लम में है। अब आते हैं ESIC अस्पताल होता क्या है। ESIC अस्पताल में मजदूर कामगार जो ESIC के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं उनका इलाज होता है, उनका मुफ्त इलाज होता है। अगर कार्य के दौरान उन्हें चोट लगती है, उनकी मृत्यु होती है अथवा कोई गंभीर बीमारी होती है तो उन्हें वित्तीय लाभ भी, फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिया जाता है इस अस्पताल के द्वारा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या एक देखा। प्रश्न संख्या दो है, मीडिया इकाइयों का प्रथम वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? आंसर, नई दिल्ली में 13 फरवरी को। मीडिया इकाइयों का, मीडिया यूनिट्स का प्रथम वार्षिक सम्मेलन अभी कभी नहीं हुआ था। एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है इनका, मीडिया यूनिट्स का, न्यू दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसे आयोजित करवा रहा है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अर्थात सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्री राजवर्धन राठौर जी कर रहे हैं इस सम्मेलन का। इसका उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का आयोजन क्यों हो रहा है? इसका उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी ऑफिसर्स देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं वे सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और अपनी समस्याओं की चर्चा करें, साथ ही उनके बीच तालमेल बढ़ पाए। तो उनके बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उस एक प्लेटफॉर्म के रूप में ही प्रथम वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से यह भी चर्चा हो की जाए किया गया सॉरी 13 फरवरी को किया जाएगा, आज का ही है, कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से टारगेटेड ऑडियंस पे, मतलब जिनके समक्ष हम बात पहुंचाना चाहते हैं उनके समक्ष अपनी बातें रख सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या दो हुआ, मीडिया इकाइयों का प्रथम वार्षिक सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में 13 फरवरी को। इसका उद्देश्य समझा दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने भी ऑफिसर्स देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं वे सारे के सारे नई दिल्ली में आज इकट्ठा होंगे और फिर वे समस्याओं पे, जो आने वाली समस्याएं हैं, जो उनके समक्ष समस्याएं हैं, उन सब पे बातें करेंगे और साथ ही उनके बीच इस तरह तालमेल बढ़ेगा। और वे यह भी बताएंगे कि किस तरह से टारगेटेड ऑडियंस पे सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच सकते हैं। प्रश्न संख्या तीन है, सऊदी अरब के युवराज का क्या नाम है जो भारत की यात्रा पे आ रहे हैं? आंसर है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। याद करने के लिए, सऊदी अरब है और इनका नाम के अंत में सऊद है। ये सऊदी अरब के युवराज हैं, युवराज मतलब क्राउन प्रिंस हैं। ये भारत की यात्रा पे आ रहे हैं 19 और 20 फरवरी के दौरान। 19 फरवरी से 20 फरवरी तक ये भारत में रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट इसमें आएगा, आउटकम्स आएंगे वे बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इनके आने की सूचना मिली है तो इस बारे में हमने पहले तो नाम हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि 2017-18 के वित्तीय वर्ष के दौरान सऊदी अरब हमारा व्यापार में चौथा सबसे बड़ा, फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर है। सऊदी अरब के साथ हमारा व्यापार बहुत अधिक रहा है और 2017-18 के दौरान 27.48 बिलियन US डॉलर का व्यापार हुआ है सऊदी अरब और भारत के बीच में, और इस तरह से यह चौथा सबसे बड़ा
पार्टनर है हमारा व्यापार के क्षेत्र में। हम कच्चा तेल का आयात जितना करते हैं उसमें से 20% कच्चा तेल हम सऊदी अरब से लाते हैं। साथ ही सऊदी अरब में जो विदेशी रहते हैं उनमें सबसे अधिक भारतीय रहते हैं, और वे हैं 27 लाख। 27 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं। इस तरह से सऊदी अरब से हमारा जो संबंध है अभी फिलहाल का, उसका बैकग्राउंड हमने बना लिया है। जब ये युवराज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भारत पहुंचेंगे 19-20 फरवरी को, अगर कुछ इम्पोर्टेंट आउटकम्स आएंगे तो फिर चर्चा करेंगे। फोर्थ नंबर है, ट्विटर के प्रमुख कौन है? आंसर है जैक डोरसे। जैक डोरसे ट्विटर प्रमुख हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति है एक, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी है, मतलब उसका नाम है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अध्यक्ष हैं सांसद अनुराग ठाकुर। उन्होंने ट्विटर के ऑफिशियल्स के साथ कल मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कंसर्न जताया कि कैसे देश के नागरिकों के डेटा, जो प्राइवेट डेटा हैं, ट्विटर के साथ जो हैं सेफगार्ड हो सकते हैं या हो रहे हैं। इस पे उन्होंने अपनी चिंता जताई, तो वहाँ के ऑफिसर्स ने बोला कि हम इसकी पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। तो फिर यह कहा गया है कि जैक डोरसे जो ट्विटर के हेड हैं, ये संसदीय समिति के समक्ष 25 फरवरी को प्रस्तुत हों और ये बताएंगे कि किस तरह से जो डेटा है हमारे नागरिकों का, भारतीय नागरिकों का ट्विटर के साथ, वह डेटा मिसयूज नहीं होगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में संभावना है कि भारतीयों के डेटा चुनाव के दौरान मिसयूज हो सकती है। तो अपने कंसर्न को दिखाते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना तकनीक पर बनी संसदीय समिति ने यह चिंता जाहिर करी है और ट्विटर के प्रमुख को जैक डोरसे को बोला है कि समिति के समक्ष 25 फरवरी को प्रस्तुत करें और अपनी योजनाएं बताएं। 5 नंबर है, जनवरी महीने में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? आंसर है 2.05%। खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर महीने में थी 2 पॉइंट दिसंबर महीने की बताई गई 2.11%। इससे पहले इसे 2.19% बताया गया था, लेकिन अभी रिवाइज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि दिसंबर महीने की खुदरा मुद्रास्फीति 2.11 और जनवरी महीने की 2.05% है। इसे जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्रालय इसको जारी करता है खुदरा मुद्रा स्फीति को। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दिसंबर 2018 के महीने में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई है? उत्तर है 2.4%। दिसंबर 2018 की बात की जा रही है, उस महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है 2.4%। इसे जारी करता है सीएसओ, जीडीपी को भी सीएसओ जारी करता है, हमने कल भी देखा था इस बारे में। सीएसओ जारी करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ को, ये जारी करता है। इसने कहा है कि दिसंबर 2018 में भारत की औद्योगिक उत्पादन में 2.4% की वृद्धि हुई है। तो याद रखना है कौन जारी करता है, डेटा भी याद रखना है। प्रश्न संख्या 7 है, नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर है? उत्तर है गंगा नदी पर है नेशनल वाटरवे 1। यह कंटेक्स्ट यह है कि विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर शिपिंग कंपनी, विश्व की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी जिसका नाम है, लिख दे रहा हूँ, मेरस्क लिंक नाम है यह, मेरस्क लिंक विश्व की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है। यह 16 कंटेनर्स को वाराणसी से लेकर कोलकाता मूव करेगी। ध्यान देने की जरूरत है कि बनारस में
प्रधानमंत्री ने पिछले साल ही नदी पर सबसे बड़े मल्टी नोडल टर्मिनल का उद्घाटन किया था बनारस में ही, और यह इसी वाटरवे पे है। मतलब इसी टर्मिनल के माध्यम से मेरस्क लिंक कंपनी 16 कंटेनर्स को मूव करने वाली है। यही कॉन्टेक्स्ट है इस प्रश्न का, समझ में शायद नहीं आया होगा। फिर से देखते हैं, नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर है? आंसर है गंगा नदी पर। कॉन्टेक्स्ट यह है कि मेरस्क लिंक कंपनी जो विश्व की सबसे बड़ी शिपिंग कंटेनर शिपिंग कंपनी है, मतलब कंटेनर्स के साथ वो शिप करती है, ले जाती है कंपनी है, यह कंपनी 16 कंटेनर्स को ले जाने वाली है इसी वाटरवे पे वाराणसी से लेकर कोलकाता तक ले जाने वाली है। और वाराणसी के बारे में बात कर लें तो कहा गया है कि इस वाटरवे पे मल्टी नोडल टर्मिनल बनारसी में उद्घाटन किया था, देश को समर्पित किया था प्रधानमंत्री ने पिछले साल ही। प्रश्न संख्या 8 है, एसोल्ट राइफल के लिए भारत ने किस देश के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है सिग सॉवेर, कंपनी है सिग SAUER सॉवेर। उस कंपनी के साथ भारत ने कल अर्थात 12 फरवरी को करार किए। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और इस कंपनी के प्रमुख, सिग सॉवेर के कंपनी के प्रमुख ने कल करार किए, प्रतिनिधि ने प्रमुख ने प्रतिनिधि करार किए, और करार में भारत को यह कंपनी 72,400 एसोल्ट राइफल्स, साथ ही 93,895 कार्बाइंस सप्लाई करेगा। यह कंपनी इतना सप्लाई करेगी, और दोनों का कॉस्ट जो पूरा दाम है, दोनों का दाम है 3,447 करोड़ रुपये। इतना में 72,400 एसोल्ट राइफल और 93,895 कार्बाइंस ये कंपनी सिग सॉवेर सप्लाई करेगी भारत को। 12 महीने के अंदर ही सप्लाई करना है, 12 महीने में ही सारा सामान हमारे देश में आ जाएगा। एसोल्ट राइफल का नाम बताया गया है, कहा गया है एसोल्ट राइफल का नाम है SIG-76। कंपनी का नाम भी सिग है, यहाँ भी राइफल का नाम भी सिग है, SIG-76 एसोल्ट राइफल का नाम है, इसे सप्लाई करेगा। इसमें कहा गया है कि जो 72,400 राइफल है उसमें से 4,000 एयरफोर्स को और 2,000 नेवी को दिया जाएगा, बाकी सारा का सारा आर्मी के साथ रहेगा, ये कहा गया है। फिर ये जो असॉल्ट राइफल है, ये असॉल्ट राइफल हमारे यहाँ हमारे एयरफोर्स नेवी आर्मी के पास इंसास है। इंसास, इंसास का मतलब होता है इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम, भारत ने ही खुद बनाया है। इंसास को रिप्लेस करेंगे ये असॉल्ट राइफल्स। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, यूथ कॉन 2019 का आयोजन कहाँ हो रहा है? आंसर, ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे, हो रहा है मतलब आज ही हो रहा है, होगा नहीं या हुआ है नहीं लिखा है, हो रहा है लिखा है हमने, तो जब आप इसका रिवाइज करेंगे तो आप देख लेंगे डेट के अनुसार। तो 13 फेब को ही इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री यूथ कॉन 2019। यूथ कॉन का मतलब यूथ कॉन्क्लेव, यूथ कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव मतलब सभा, इसका उद्घाटन करके इसे आयोजित करवा रहा है, केडाई करा रहे हैं आयोजित, CREDAI केडाई इसे आयोजित करवा रहा है यूथ कॉन 2019 को। केडाई क्या है? केडाई है रियल एस्टेट के, जो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, और यह सर्वोच्च संस्था है रियल एस्टेट के डेवलपर्स को रिप्रेजेंट करने की, जो देश के मोर देन 200 सिटीज
के होते हैं, मतलब जो डेवलपर्स हैं देश के करीब 200 सिटीज के, उनको रिप्रेजेंट करती है केडाई। तो वहाँ ये केडाई ही यूथ पॉइंट 2019 पर आ रही है, रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, और इसका एम है कि रियल एस्टेट की जो समस्याएं हैं, रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या होगा उसका डिस्कस करना यूथ कॉन्क्लेव 2019 का। फिर से देखते हैं, यूथ कॉन्क्लेव 2019 केडाई करा रही है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और यह रियल एस्टेट डेवलपर्स को रिप्रेजेंट करती है और सबसे बड़ी संस्था है उनकी और रियल एस्टेट डेवलपर्स की। और इस कॉन्क्लेव के दौरान केडाई एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करा रही है, जिसे प्रधानमंत्री विजिट करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, यूनानी मेडिसिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर है सिक्किम के राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने। यूनानी मेडिसिन का राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, यह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुआ है, इसे आयोजित करवाया है CCRUM ने। CCRUM का मतलब होता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, इसने आयोजित करवाया था राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया था सिक्किम की राज्यपाल, जो अभी निवर्तमान राज्यपाल हैं, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने। इस सम्मेलन में जो बात सामने आई वह ये आई कि मेडिसिन सिस्टम में, ये भी एक मेडिसिन सिस्टम है, मेडिसिन सिस्टम्स जितने हैं उन सब का एकीकरण होना चाहिए, एकीकरण एक साथ उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो चैलेंजेज हैं मेडिकल क्षेत्र में, जो चैलेंजेज हैं उनको उनसे निपटना है, तो इनका एकीकरण बहुत ही आवश्यक है। इस सम्मेलन का यही निचोड़ निकला हुआ है, यह हुआ है नई दिल्ली में। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, पोषण अभियान के चौथी राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता किसने किया है, कि अध्यक्षता यहाँ ध रहेगा, किसने किया है? डॉक्टर राजीव कुमार ने किया है। देखते हैं पोषण अभियान, पहले देखेंगे पोषण अभियान, फिर देखेंगे मीटिंग के जो आउटकम्स थी उसके बारे में। तो इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता किया है डॉक्टर राजीव कुमार ने। डॉक्टर राजीव कुमार हैं उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमेशा ही नीति आयोग अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत CEO है नीति आयोग के। तो नीति आयोग को याद रखना, हमेशा अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष जो अभी हैं का नाम है डॉक्टर राजीव कुमार, और इसके CEO है अमिताभ कांत। अब बात करते हैं पहले पोषण अभियान की, फिर मीटिंग बात करेंगे। पोषण अभियान इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने करी थी 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी चर्चा कल भी किया है हमने। 8 मार्च 2018 को इसका उद्घाटन किया था, इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। झुंझुनू है राजस्थान में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने 2018 8 मार्च को। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की समस्या है, उस समस्या से पूरी तरह से निपटना, पूरी तरह से निपटना है, होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है निपटने के लिए, इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। इसमें कहा गया है कि तकनीक की सहायता से, सम्मिलित प्रयास की सहायता से कुपोषण समस्या को पूरी तरह से मिटा देना है देश से, ये उद्देश्य है पोषण अभियान का। इस अभियान में कहा गया है कि देश के जितने भी राज्य हैं, पूरे 38 राज्य हैं, अगर यूनियन टेरिटरीज को मिला लेते हैं, तो उनके 718 जिले, पूरे 718 जिले, इन सब में इस अभियान के माध्यम से 2020 तक पहुंच जाना है। मतलब इस योजना को इन इतने राज्यों में के इतने जिलों में 2020 तक इस अभियान से पहुंच बनानी है, ताकि कुपोषण को पूर्ण रूप से देश से मिटाने की
अपनी मुहिम को सफल कर सके, इस योजना का यही लक्ष्य है। इसमें कहा गया है कि कुपोषण से पीड़ित होते हैं बच्चे और महिलाएं। बच्चों में क्या क्या होता है कुपोषण से? कहा गया है कुपोषण से चार चीज़ें बच्चों में मेंशन की गई है अभी। स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब होता है उम्र के अनुसार से हाइट नहीं बढ़ना, बौनापन कहेंगे इसको हिंदी में। फिर कहा गया है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन कर सकते हैं, जितना कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी मिलता नहीं है इनको। और फिर अनेमिया, अनेमिया मतलब अंडर न्यूट्रिशन हो गया। फिर अनेमिया, अनेमिया मतलब रक्तता, खून की कमी, यह है तीसरा नंबर। फिर है लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट जन्म के वक्त वजन का कम होना, ये समस्याएं हैं बच्चों में जो कुपोषण जनित समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटना है इस पोषण अभियान का लक्ष्य। दूसरा, महिलाओं में क्या समस्याएं हैं? महिलाओं में कौन कौन शामिल होती हैं? जो एडोलेसेंस गर्ल होती हैं, मतलब वयस्क लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं, मतलब वे माताएं जो दूध पिला स्तनपान करा रही हैं अभी, इन सबको भी इस अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया है, ताकि ताकि किसी में भी कैलोरी की जो अनिवार्य मात्रा है कम न मिले, किसी को भी कुपोषण का शिकार न होना पड़े। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। इसके अब देखते हैं मीटिंग के आउटकम्स। मीटिंग जो हुआ था, चौथी राष्ट्रीय मीटिंग, फोर्थ नेशनल मीटिंग कहें, फोर्थ नेशनल राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग करें, हाँ ठीक है, फोर्थ नेशनल काउंसिल मीटिंग। इस मीटिंग में क्या हुआ है? इस मीटिंग को पहले तो आयोजित करवाया है राष्ट्रीय महिला महिला मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, इसने कराया है, मतलब महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने इसे आयोजित करवाया है इस मीटिंग को। और इसका आउट, इसमें क्या हुआ है, इसमें जितने पहले की मीटिंग हुई थी, मतलब थर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें जो निर्धारित किया गया था उस पर कितना प्रोग्रेस हुआ है वो भी, और साथ में उस पर चर्चा की कि उसका उस पर कितना प्रोग्रेस हुआ है, और साथ ही पोषण अभियान जो अभी जहाँ जहाँ इस अभियान के माध्यम से काम हो रहा है उस काम पे विस्तृत डिटेल लिया गया है डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा। इस मीटिंग का यही आउटकम आया हुआ है। मीटिंग से अधिक इम्पोर्टेंट पोषण अभियान था, इसलिए हमने अधिक चर्चा कर ली। प्रश्न संख्या 12 है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ होना है? आंसर है भुवनेश्वर में होना है। ये भुवनेश्वर हम जानते हैं उड़ीसा की राजधानी है, यहाँ पे होना है अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन। इसमें इसे कौन आयोजित करवा रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और फिर वर्ल्ड बैंक तीनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक में की सहायता वाली एक एजेंसी है जिसका नाम है ड्रीप। ड्रीप मतलब डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। रिहैबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास, पुनर्वास, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यह गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर आयोजित करवा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन को। अगर प्रश्न में रहे इन तीनों का नाम तो भी सही है, और मतलब ऑप्शन में रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, वर्ल्ड बैंक तो सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और ड्रीप तो भी सही है, क्योंकि ड्रीप की सहायता वर्ल्ड बैंक ही करती है। तो इस तरह से तीनों आयोजित करवा रहे हैं सम्मेलन को। और इसका सम्मेलन को आयोजित करने का कराने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय विधियां, अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां अपनाई गई हैं, तरीके अपनाए गए हैं पूरे विश्व में, उन सब पे चर्चा करते हुए जो सुटेबल है उसे भी यहाँ के डैम्स की सुरक्षा के लिए अपनाना, यही है इस अंतर्राष्ट्रीय बांध सम्मेलन का आयोजन का लक्ष्य। इसमें अगर कहा जाए डैम के बारे में कहा जाए तो डैम डैम भारत में डैम के क्षेत्र में तीसरा स्थान रखता है, पहला चीन का है, दूसरा अमेरिका का है। भारत में कुल डैम की बात करें तो 5,264 ऑपरेशनल डैम्स हैं
और 437 अंडर कंस्ट्रक्शन डैम्स हैं भारत में, 5,264 ऑपरेशनल मतलब जो कार्य कर रहे हैं और इतने बन रहे हैं, इतने डैम्स हैं, तो इनकी सुरक्षा की पद्धति भी सही होनी चाहिए, सुरक्षा भी सही होना चाहिए। जो ऑपरेशनल है काफ़ी कोई कितने तो 20 कितने साल पुराने हैं, तो इन सब की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ है भुवनेश्वर में। डैम का इम्पोर्टेंस क्या होता है? डैम का इम्पोर्टेंस होता है कि वाटर सिक्योरिटी को यह इंश्योर कर देता है, उसमें पानी रहता है हमेशा, तो वाटर सिक्योरिटी इंश्योर होती है, जिससे कि कृषि की ग्रामीण कृषि ग्रामीण अंतर्राष्ट्रीय चाहे जो भी कहें तो औद्योगिक विकास इससे संभव हो पाता है। बिकॉज डैम के पानी के बिना ना कृषि हो पाएगी, ना ग्रामीण व्यवस्था शहरी व्यवस्था चल पाएगा, ना उद्योगों का विकास हो पाएगा, क्योंकि सारे कामों में पानी की नितांत आवश्यकता है। और ये बांध होते हैं जो नदियों से पानी हम तक पहुंचा देते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। 13 नंबर है, अप्रैल 18 से जनवरी 19 तक किस बंदरगाह ने सबसे अधिक वृद्धि की है? उत्तर है कामराज बंदरगाह ने। कामराज बंदरगाह ने इस अवधि के दौरान अप्रैल 18 से जनवरी 19 के दौरान सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करी है, और वह है 15.56%। कामराज बंदरगाह का दूसरा नाम है एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह यह चेन्नई में है, इसने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करी है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि आया हुआ है रिपोर्ट, जो देश के सबसे बड़े 9 बंदरगाह हैं उनकी वृद्धि का रिपोर्ट आया हुआ। कहा गया है कि सबसे बड़े 9 बंदरगाह ने जो अवधि बताई है अप्रैल 18 से लेकर जनवरी 19, इसके दौरान 3.11% की वृद्धि करी है। 9 बंदरगाह का नाम बोल देता हूँ, इसमें नाम है कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, कामराज शामिल है, चेन्नई, कोचिन, न्यू मैंगलोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल। दीनदयाल को आप जानते हैं, कांडला का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो ये 9 बंदरगाह नाम याद रखना जरूरी नहीं है, 9 बंदरगाहों ने मिलकर 3.11% की वृद्धि दर्ज करी है इस अवधि के दौरान। इन बंदरगाहों ने 678.36 मिलियन टन कार्गो को हैंडल किया है, सामान को हैंडल किया है। इन्होंने इतना मिलियन टन सामान को इसी अवधि दौरान हैंडल किया हुआ है, और इसी से वृद्धि नापी जाती है। इसके पहले की अवधि में इन्होंने कार्गो को हैंडल किया था, वो थोड़ा कम था, 561.39, ये पाँच है, 561.39 मिलियन टन कार्गो को हैंडल किया था, लेकिन अब इस दौरान इन्होंने इतना मतलब 3.11% अधिक कार्गो को हैंडल किया हुआ है। यह प्रश्न संख्या 13 है, सीधा आंसर है 9 बंदरगाहों ने, सीधा प्रश्न है, 9 बंदरगाहों ने कुल इस अवधि दौरान 3.11% की वृद्धि दर्ज करी है, और इसी में डेटा था कामराज बंदरगाह का सबसे अधिक का, तो उसी को प्रश्न और उत्तर बना दिया। यह किया है 15.56%। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की अधिकतम राशि कितनी है? यह है 10,000 रुपये। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है आरबीआई का एक रिपोर्ट। आरबीआई ने 2017-18 के लिए एक रिपोर्ट जारी किया है, 2017-18 के वित्त वर्ष का एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसका नाम है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ट्रेंड मतलब प्रवृत्ति, इंग्लिश में लिखता हूँ, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर का इन इंडिया, भारत में बैंकिंग सेक्टर का ट्रेंड क्या है, किस दिशा में बढ़ी है और कितना विकास हुआ है भारत में, इस तरह से हिंदी समझें तो। बट नाम रिपोर्ट का नाम ऐसे ही याद रखना चाहिए, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंक ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यह है रिपोर्ट 2017-18। इसमें कहा है कि भारत के नागरिक हैं, 80% नागरिक सिटीजन्स के पास बैंक अकाउंट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और इस रिपोर्ट में जनधन योजना का भी मेंशन है, तो इसलिए जनधन योजना का मेंशन है, तो इस जनधन योजना को हम चर्चा करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने आज से पहले कल या परसों डिस्कशन बताया था कि भारत में 34.3 34 बताया था उस वक्त, 34.3 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट है। जब बताया था मैंने पहले, तो उसमें बताया था 34
करोड़ लोगों के पास, तो राउंड फिगर चलता है इतने लोगों के पास जनधन अकाउंट है। जनधन अकाउंट का जो लॉन्च हुआ था, जनधन योजना लॉन्च हुई थी, याद रखना जरूरी है, 28 अगस्त 14 को यह योजना लॉन्च हुई थी। ये समय याद रखना जरूरी है, पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाए तब भी जरूरी है। बिकॉज देखिए तरीका, 14 14 2 28, 28 याद हो गया और अगस्त 8वां महीना है, तो थोड़ा सोचेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। तो 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था इस योजना को। इस योजना की जो मुख्य बातें हैं, इसमें कहा जा रहा है कि ओवरड्राफ्ट का जो लिमिट है, पहले 5,000 था, वो बढ़ाकर अब 10,000 कर दिया गया। साथ में ही पहले ओवरड्राफ्ट लेने के जो योजना धारक थे, उनका उम्र था 18 से 60 वर्ष, 60 वर्ष, जिसे बढ़ाकर अब 65 वर्ष कर दिया गया है। मतलब 18 से 65 वर्ष के लोग ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, अधिकतम 10,000 तक का। फिर इंश्योरेंस कवर था पहले 1 लाख का, इसमें इस इंश्योरेंस कवर को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। यह मुख्य बातें हैं जनधन योजना की। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।